की बड़ी तनख्वाह वहाँ गुजार करो, वहाँ गुजार करो, वहाँ गुजार करो, रिटायरमेंट वापस लो, वापस लो, वापस लो, रिटायरमेंट वापस लो, वापस लो, वापस लो, रिटायरमेंट वापस लो, वापस लो, वापस लो, वही वो हमारे बहुत आदर्श समय हमारे बहुत पे है ना, हमारा पे पेंडिंग है, हमारा 2008 से पे पेंडिंग था, थोड़ा हमारा रिलीज हुआ लेकिन बहुत हमारा पेंडिंग है। हमें जो कुछ काम होता है ग्रामीण इलाके वो आंगनबाड़ी वर्कर से लेते हैं, अगर हमारे कुछ उजरत नहीं मिलती, जब ये डिपार्टमेंट औरत पर मुश्तमिल है तो औरत के साथ यही इंसाफ है कि हमें पे नहीं रिलीज करते, हम भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, हम अपना कुछ भेजने के लिए मजबूर हो गए लेकिन हमें पे नहीं मिलता है। आज हमारी यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से, जल्दी से गवर्नर साहब से हम इल्तिजा करते हैं, हमारे जो पे है वो रिलीज कीजिए प्लीज, हम गरीब लोग हैं, हमारे बेटे हैं, मेरे हस्बैंड ने मैरिज की, मैं इसी के सहारे आज जी रही हूँ, इसी पे के सहारे, लेकिन हमारा इतना पे लगभग हमारा 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे हमारा अभी पेंडिंग है। जो कुछ काम होता है वो हमसे लेते हैं, कुछ भी होता है, वैक्सीनेशन होती है, पल्स पोलियो होती है, इलेक्शन होती है, जो भी होता है वो हमसे लेते हैं, कोई भी सर्विस होती है वो हमसे, तहसीलदार हमसे लेते हैं, मिनिस्टर लेते हैं हमसे, सेक्रेटरी लेते हैं, सब जो हमारे तहसीलदार है वो भी हमसे लेता है, सब डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो भी हमसे मांगती है, हमें कुछ नहीं मिलता है, पे नहीं हमें देते हैं, हमने कौन सी चोरी की, हम एक ही औरत है जो डिपार्टमेंट जो औरत पर मुश्तमिल है, हमें कुछ नहीं देते, हमारे साथ बहुत जुल्म है, ऊपर वाले देते हैं बीच वाले खाते, हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, हमें पे चाहिए, सैलरी चाहिए, अगर ये बोलते हैं रिटायरमेंट तो हमें हमें दे दो ना, पहले 5 लाख दे दो हमें रिटायरमेंट के लिए, हमने इतनी सर्विस के लोगों की, हमने ग्राउंड लेवल पर इतनी की खदमत, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। रिटायरमेंट उन लोगों के उन लोगों की होती है जिनको सर्विस बुक होता है, जबकि हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी आंगनबाड़ी वर्कर या किसी भी हेल्पर को सर्विस बुक नहीं है। हम चाहते हैं पहले सर्विस बुक बना दो, और मेरी जो माए है, इतनी बूढ़े माए आप देख रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे, 30 साल 40 साल उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को दिए है, इतनी खदमत की है, और आज कह रहे हैं कि आप खाली हाथ जाओ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इंसाफ कीजिए, इनकी तरफ देखिए, इनका भी घर है, इनके भी बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी स्टेटों में पे है 15,000, 20,000, 21,000, 25,000 उसी तरह कश्मीर और जम्मू में भी 25,000, 20,000, 30,000 पे होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी वही काम करते हैं, हम भी वही काम करते हैं, और हमारा सर्विस बुक जो है वो जल्द से जल्द बनाना चाहिए, वरना हम सड़कों पर फिर से आएंगे और हालात खराब हो जाएंगे कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और क्या मुतालबा थे आपको आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। मैं आमना हूँ श्रीनगर से, जनरल सेक्रेटरी आंगनबाड़ी वर्कर्स कश्मीर प्रोविंस एसोसिएशन। पिछले 10 सालों से हम यही इल्तिजा इन्हें करते आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक, अब वो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं रही, वो भी अल्लाह ताला ने बेईमानी की कि उन्हें जब उनको सैलाब सर से ऊपर बेईमानी का हो गया तो वो भी अब अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी, लेकिन हम इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे डिपार्टमेंट ने मरकज से लेकर स्टेट तक, इनको हमने बार बार बोला कि जो आप बाकी हिंदुस्तान के स्टेटों में सैलरी देते हैं वो हमें भी, जो काम वो करते हैं वो हम भी करते हैं। इसके बाद है इन्होंने फैसला लिया है 5 साल बाद रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट वो आप बिला किसी मुआवजे को बोलते हैं, आप बोलिए आप भी माँ बहने वाले हैं, हमारे जो ये अफसर कुर्सियों पर बैठे हैं इन्होंने भी अपनी जवानी दी, लेकिन ये कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, हम कुछ नहीं लेकर जाते, हम हमें बोलते हैं खाली हाथ भेजो, भेजते हैं हम, जिस वर्कर ने 40-45 साल अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं, आप बोलिए कि इस वक्त बिना किसी इंटेंस की बेनिफिट के हमने इनको बोला कि आप 5 लाख रुपया वर्कर दे दो,
3 लाख हेल्पर को दे रहे आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन ये हमारी डिमांड यही है पेंशन स्कीम लागू करो, तब तक हम अपना पोस्ट छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हम 90 साल के क्यों ना हो जाए। और ये रिटायर